हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज हमारी चैनल ने 130,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर कर लिए हैं और मैं गिव अवे करना चाहती हूँ। और इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन सोचा है, आपको उसका आंसर देना है। आपका क्वेश्चन है कि मैंने कहा है कि एक रेसिपी जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, वेरी क्लोज़ टू माई हार्ट, आपको मुझे उस रेसिपी का नाम बताना है। आप लोग मुझे 24 तारीख तक ही आंसर दे सकते हैं, उसके बाद हम एंट्री क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं विनर्स के नाम अनाउंस कर दूंगी। और ये हमारी चैनल का फर्स्ट गिव अवे है और जो 21 प्राइजेस हैं, तो बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से अपना आंसर भेजें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मैडलिंस रेसिपी। मैडलिंस रेसिपी एक फ्रेंच कुकी केक रेसिपी है जो बहुत ही आसानी से घर पे बनाई जा सकती है। ये मैडलिंस एगलेस मैडलिंस है और जिसको बनाने के लिए मैंने एक्वाफाबा का यूज किया है। तो चलिए मैडलिंस बनाना शुरू करते हैं। मैडलिंस बनाने के लिए मैंने लिया है 3.5 टेबलस्पून एक्वाफाबा, जिसको हम बीट कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून खाने का सोडा, 1 टेबलस्पून हनी और 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। मैडलिंस को आपको हमेशा हाथ से ही बीट करना है, कभी भी बीटर का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो मैडलिंस का बैटर बहुत ख़राब हो जाएगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, हमें इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए। अगर आपको इस टाइप की कंसिस्टेंसी नहीं मिले तो आप 1/2 टेबलस्पून एक्वाफाबा और डाल सकते हैं, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। लास्ट में इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। ये मैडलिंस के मोल्ड हैं, ऐसे शेल शेप में वो आते हैं। मैं हमेशा सिलिकॉन मोल्ड ही यूज़ करती हूँ मैडलिंस के लिए। इसमें एल्युमिनियम के मोल्ड्स भी मिलते हैं। ये शेल टाइप की कुकीज़ होती हैं। दोस्तों मैडलिंस बहुत प्रकार से बनती है। मैं आपको एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आगे मैं बहुत सारी रेसिपीज़ और भी शेयर करूँगी। हम ऐसे हल्के हाथों से मोल्ड को, बैटर को फैला लेंगे। हमारे इतने बैटर में से 9 मैडलिंस रेडी हुए हैं। मैंने अवन को 200 डिग्री के ऊपर प्रीहीट कर लिया है। अब मैं इस मैडलिंस को अवन के अंदर 10 से 12 मिनट के लिए बेक करूंगी। दोस्तों हमारे मैडलिंस बहुत ही सुंदर कलर आया है। इसको करीबन 9 मिनट लगे थे बेक होने के लिए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। दोस्तों बहुत ही बढ़िया मैडलिंस रेडी हुए हैं। हमारे मैडलिंस तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इस पर शुगर डस्ट कर रही हूँ। हमारे मैडलिंस बनके तैयार हैं। आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें लेके आने वाली हूँ, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी हो गई हूँ अभी। तो मुझे आप लोगों की एक हेल्प चाहिए। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, जिससे मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी चैनल को ग्रो करने के लिए। और जो नई सरप्राइज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच, और ये मेरा रिक्वेस्ट को ध्यान रखिए।